बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं ये रेगुलर कर्व्स को, जिसके अंदर जो है वो सबसे पहली बात अलाउबल चेंज ऑफ पैरामीटर, इसको हम डिफाइन करेंगे अलाउबल चेंज ऑफ पैरामीटर। अब अलाउबल चेंज ऑफ पैरामीटर क्या है कि हम फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, टी इज़ इक्वल टू टी थीटा। इसका मतलब क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब यह है कि इसकी डोमेन जो है वो आर टू आर है, यानी कि डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है और रेंज भी क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और ये जो टी है ये किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे डिपेंड करता है और ऑन एन इंटरवल आई थीटा। इंटरवल जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर हो रहा है? आई थीटा पे, यानी कि इंटरवल जो है वो बी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, थीटा की वैल्यू है इसके अंदर, इंटरवल की जो है वो वैल्यू किसकी वेरिएशन होगी? थीटा की वेरिएशन होगी, और उस थीटा के ऊपर हम टी को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। इसको हम कहेंगे कि ये अलाउबल चेंज ऑफ पैरामीटर है। कब कब हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शन, ये अलाउबल चेंज ऑफ पैरामीटर है? अगर वो दो कंडीशंस को क्वालिफाई करता है। अगर वो क्या करता है? दो कंडीशंस को क्वालिफाई करता है तो हम उसे अलाउबल चेंज ऑफ पैरामीटर कहेंगे। पहली कंडीशन क्या है कि ये जो टी थीटा है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, इज़ ऑफ क्लास सी वन इन आई थीटा। इस इंटरवल के अंदर ये क्या हो? ये क्लास सी वन, सी वन का मतलब ये है कि इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए। सी कंटिन्यूस है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो वो कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब ये है कि किसी जगह पे भी उसकी ब्रेक नहीं होनी चाहिए या फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा इन दिस इंटरवल। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हों तो हम कहेंगे ये जो फंक्शन है ये अलाउबल चेंज ऑफ पैरामीटर है। ये फंक्शन क्या है? अलाउबल चेंज ऑफ पैरामीटर है। फिर हम इसमें एक और बात नोट कर सकते हैं, वो क्या कि टी इज इक्वल टू टी थीटा अगर हमारे पास अलाउबल चेंज ऑफ पैरामीटर हो इस इंटरवल के ऊपर, तो हम ये कह सकते हैं कि डी ओवर डी थीटा इज़ कंटिन्यूस, कि फिर इसका जो डेरिवेटिव है डी टी ओवर डी थीटा वो क्या है? वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब वही है कि इसके इसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं है, ये किसी वैल्यू के ऊपर भी ये अनडिफाइंड नहीं है, और इसका जो डेरिवेटिव है वो नॉन ज़ीरो भी है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो अगर ये नॉन ज़ीरो है तो या वैल्यू इसकी पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। अगर वैल्यू इसकी पॉजिटिव है इस इंटरवल के ऊपर तो हम ये कहेंगे कि इस केस के अंदर जो है वो टी थीटा इज़ स्मूथ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है? स्मूथ इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर डी टी ओवर डी थीटा नेगेटिव है इस इंटरवल के ऊपर तो हम कहेंगे टी थीटा इज़ ए स्मूथ डिक्रीजिंग फंक्शन। और इससे रिलेटेड आगे जाके हम एक प्रॉब्लम को भी जो है वो सॉल्व करेंगे। दूसरा ये है कि ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि ये अगर फंक्शन हो टी जो कि थीटा के पे डिपेंड कर रहा है और ये एक अलाउबल चेंज ऑफ पैरामीटर है ऑन दिस इंटरवल आई थीटा। आई थीटा का मतलब यहाँ पे वेरिएशन जो है वो किसकी होगी? थीटा की होगी। देन टी थीटा इज़ ए वन टू वन मैपिंग। अगर अलाउबल चेंज है तो ये वन टू वन मैपिंग होता है। वन टू वन मैपिंग का मतलब यूनिक वैल्यू के लिए यूनिक आउटपुट होती है, सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल वो कनेक्टेड होता है, रिलेशन होती है। मैपिंग ऑफ आई थीटा ऑन टू द इंटरवल आई टी इज इक्वल टू, अब ये देखो इसमें अब वेरिएबल चेंज हो रहा है आई टी। आई थीटा जो है इसके ऊपर हम जो है वो किसकी वैल्यू ले रहे हैं? टी की वैल्यू ले रहे हैं, और हमारे पास इंटरवल अब क्या बन गया? आई थीटा की बजाय क्या आ गया है? आई टी आ गया है। ठीक है, दूसरा द इनवर्स फंक्शन थीटा टी इज़ अलाउबल चेंज ऑफ द पैरामीटर आई टी, और ये अलाउबल चेंज होती है ऑफ द पैरामीटर आई टी। इससे रिलेटेड हम जो है वो मज़ीद क्लैरिटी के लिए एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है? वो कहता है कि द फंक्शन टी इज़ इक्वल टू दिस विच इज़ इसका इंटरवल जो है वो ज़ीरो से लेके वन दिया गया है। अब ये देखो ये बेसिकली आई थीटा है, यानी कि थीटा की वैल्यू ज़ीरो से लेके वन दी गई है, और ए इज़ लेस देन बी है। इसका मतलब क्या है कि बी माइनस ए जो है वो बेसिकली क्या है? पॉजिटिव है। इज़ एन अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर। ये क्या है? अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर है। मीन्स के ये जो फंक्शन होगा हमारे पास टी थीटा, ये सेटिस्फाई करता है उन दो कंडीशंस को। वो इन दो कंडीशंस को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। टी किसके इक्वल गिवन है? बी माइनस ए
थीटा प्लस ए। स्टूडेंट्स दो कंडीशंस थी, वो दो कंडीशंस क्या थी कि हमारे पास ये जो टी थीटा है ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ओवर द इंटरवल। इंटरवल जो है वो हमें ज़ीरो से लेके जो है वो वन दिया गया है। अब मैं अगर इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करूँ तो डी टी ओवर डी थीटा वो किसके इक्वल आएगा, बी माइनस ए, और थीटा की वैल्यू वन आ जाएगी और प्लस ए, यानी कि डी टी ओवर डी थीटा जो है वो क्या आएगा, बी माइनस ए आएगा। और बी माइनस ए में इसमें टी है ही नहीं, ये तो कॉन्टीन्यूस ही है, विच इज़ सी वन, ठीक है, क्लास, पहली बात। दूसरा जो है वो हमने ये प्रूव करना था कि इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, डी टी ओवर डी थीटा इज़ नॉन ज़ीरो फॉर ऑल थीटा इन आई थीटा, ठीक है, ये पहली कंडीशन थी, ठीक। और जो दूसरी कंडीशन में है कि डी टी ओवर डी थीटा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल आई थीटा, और आई थीटा क्या है, ज़ीरो लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू वन। इसका मतलब यह है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ये जो चेंज है ये अलाउएबल चेंज है। इसको क्या कहेंगे, अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर है। और ये क्या करता है, इस पैरामीटर को ज़ीरो टू वन को किसके ऊपर ले के जाता है, टी के अंदर ए टू बी ले के जाता है, ठीक है, ये किसके ऊपर ले के जाता है, ए टू बी लेके जाता है, जब हमारे पास जो थीटा है। अब इसके लिए आप ये देखें, फॉर थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो हम करेंगे, थीटा इज़ इक्वल टू ज़ीरो जब पुट करें तो हमारे पास टी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, टी इज़ इक्वल टू ए आ जाएगा। और जब हम थीटा को जो है वो वन के इक्वल पुट करते हैं तो ये क्या बनेगा, टी इज़ इक्वल टू बी माइनस ए, थीटा की जगह पे वन प्लस ए, तो टी क्या आ जाएगा, बी माइनस ए प्लस ए, ये कैंसिल हो के तो टी इज़ इक्वल टू बी। इसका मतलब जो इंटरवल हमारे पास बनेगा वो है ए लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू बी। तो ये बेसिकली चेंज अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर में ये इस इंटरवल को किसके ऊपर मैप कर रहा है, ए टू टी में, अगर हम इसको टी के अंदर जो है वो क्या कर लें, चेंज कर लें। इसी तरह ये है कि अगर हम स्टूडेंट्स इसका इन्वर्स ले लें, इन्वर्स का मतलब ये है कि यहाँ से हम क्या फाइंड कर लें, थीटा फाइंड कर लें, यहाँ से हम इसका जो है वो थीटा फाइंड कर लें और उसको चेक करें तो वो भी अलाउएबल चेंज है, उसको चेक करें तो वो भी क्या है, अलाउएबल चेंज है। वो किस तरह, अब यहाँ से हम जो है वो फाइंड करते हैं इसका थीटा, या उसने लिखा हुआ है कि थीटा किसके इक्वल है, फाइंड भी करेंगे तो इसी के इक्वल ही आएगा, थीटा इज़ इक्वल टू टी माइनस ए, थीटा इज़ इक्वल टू वन ओवर बी माइनस ए, और ये टी माइनस ए है और इसकी वैल्यू जो टी की वेरी करती है वो ए टू बी वेरी करती है। हमने क्या करना है, डी थीटा ओवर डी टी फाइंड करना है। हम पहली जो कंडीशन है कि डी थीटा ओवर डी टी ये क्या होना चाहिए, ये सी वन क्लास होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कंटिन्यूस होना चाहिए। तो उसको हम चेक करें तो वन ओवर बी माइनस ए, टी का डेरिवेटिव वन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो वन ओवर बी माइनस ए है। और ये देखें इस ये हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस है, विच इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल थीटा, फॉर ऑल टी आ जाएगा अब, क्योंकि पैरामीटर अब हमारे पास क्या है, टी है, और आई टी बिलोंग्स टू आई टी, और आई टी बेसिकली ए लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू बी जो है वो गिवन है। दूसरी स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है कि जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ये वन ओवर बी माइनस ए है विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, विच शोज़ दैट इट इज़ दी अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर। ये क्या है, अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर है।
और ये बेसिकली इस पैरामीटर को किस में लेके जाता है, थीटा 0 to 1 में लेके जाता है। आप इसमें वैल्यूज़ पुट करें, ए की जगह टी की जगह पे ए पुट करें तो थीटा 0 आ जाएगा, बी की जगह पे टी की जगह पे बी पुट करें तो बी माइनस ए से कैंसिल हो गया, थीटा 1 आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के अंदर जो है वो चेंजेबल है, इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर। अब इस एग्जांपल का स्टूडेंट्स बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या गिवन है, दी फंक्शन टी इज इक्वल टू टैन पाई बाय 2 थीटा, ये हमें फंक्शन दिया गया है और इसका इंटरवल ये दिया गया है 0 to 1, इज एन अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर, ये अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर है। तो इसको हम जो है वो प्रूफ भी कर लेते हैं कि ये अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर है या नहीं। इसकी स्टूडेंट्स दो कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है टी, जो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाई बाय 2 थीटा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो C1 होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव कंटीन्यूअस होना चाहिए। तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dt/dθ, इंटरवल जो है वो स्टूडेंट्स ये गिवन है 0 < θ < 1 गिवन है। थीटा के हवाले से इसका डेरिवेटिव लें dt/dθ, टैन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्केयर थीटा पाए बाय 2 θ, फिर इसका भी डेरिवेटिव लेंगे वो क्या आ जाएगा, पाए बाय 2 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है 0 से लेके आप 1 तक इसमें जो भी वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये कंटिन्यूस है, dt/dθ इज C1 क्लास इन द इंटरवल दिस 0 < θ < 1, ये पहली बात थी। दूसरा हमने ये प्रूफ करना है कि ये नॉन ज़ीरो है, ठीक है, ये हमारे पास dt/dθ इज किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू पाए बाय 2 सीकेंड स्केयर पाए बाय 2 थीटा इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस i θ, जो किसके इक्वल है, 0 < θ < 1 है। कोई भी वैल्यू आप इसमें उठा लें, इसके अंदर पुट करेंगे तो वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो रहेगी, 0 नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो, अब ये बात ध्यान में रखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1 वैल्यू नहीं आप लोगों ने पुट करनी, क्योंकि इधर का इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, ठीक है, 1 वैल्यू के ऊपर इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब 1 वैल्यू आप रिप्लेस नहीं कर सकते। तो ये क्योंकि दोनों कंडीशन जो हैं ये क्वालिफाई करती है, तो इसका मतलब ये अलाउएबल चेंज है। और अब यहाँ पर जब हम जो है वो थीटा को 0 के इक्वल इसमें पुट करें तो टैन 0 क्या होता है, 0, तो टी भी 0 आ जाता है। और थीटा को अगर हम 1 के इक्वल पुट करें तो ये टैन पाई बाय 2 टी किसके इक्वल आ जाएगा, इन्फिनिटी, लेकिन 1 शामिल नहीं है तो इन्फिनिटी को भी हम शामिल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरवल है 0 to 1, इसको हम जो है वो किस पे लेके जा रहे हैं, 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये जा रहा है, ये कहाँ पर है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। इसी तरह अगर हम इसके इन्वर्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो इन्वर्स भी इसका जो है वो अलाउएबल चेंज है, और ये 0 to इन्फिनिटी को 0 से 1 पे लेके जाता है। किस तरह, अब यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है सेकंड में, कि थीटा इज़ इक्वल टू 2/π टैन इन्वर्स टी है। तो यहाँ पे हमारे पास टी की वेरिएशन जो है वो उसने दी है, और वो ये वाली है। अब हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये अलाउएबल चेंज है या नहीं है, तो हमने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका डेरिवेटिव लेंगे dθ/dt, ये क्या बनेगा, 2/π। अब टैन इन्वर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + t²। अब आप जो है वो इसमें कोई भी वैल्यू स्टूडेंट्स जो है वो पुट करेंगे, 0 से ले 0 0 भी इवन पुट करेंगे, तो ये हमारे पास कंटिन्यूस ही है, इज C1 क्लास इन द इंटरवल it, और it बेसिकली इसमें जो गिवन है वो है 0 < θ = t < ∞। दूसरी बात जो हमने स्टूडेंट्स इसमें प्रूव करनी है कि ये dθ/dt नॉन ज़ीरो होना चाहिए। dθ/dt किसके इक्वल है, 2/π 1/1 + t²
इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कोई भी वैल्यू आप पुट करें तो ये इसके ज़ीरो नहीं आता, क्योंकि ज़ीरो के ऊपर भी इसकी वैल्यू 2/π आ रही है और बाकी तो वैल्यूज़ हमने जितनी भी पुट करनी है वो ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ पुट करनी है तो उसके ऊपर नॉन ज़ीरो ही है। इसका मतलब ये क्या है, इज़ नॉन ज़ीरो, ये किसके अंदर नॉन ज़ीरो है, इन दी फॉर ऑल टी, और टी जो है वो क्या है इसके दरमियान में है। इसका मतलब ये है कि ये अलाउएबल चेंज है। और इसी तरह जब हम इसमें वैल्यूज़ को रिप्लेस करते हैं, हमारे पास टी की जगह पे अगर हम ज़ीरो पुट करें, क्या पुट करें, टी की जगह पे हम ज़ीरो को रिप्लेस करें तो टेन इनवर्स ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। और इसी तरह टी की जगह पे हम इन्फिनिटी को रिप्लेस करें तो टेन इन्फिनिटी जो है वो क्या होता है, पाई बाय टू होता है, वो कैंसिल हो गया, थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो वन के इक्वल आ जाएगा। तो लिखने में वन और इन्फिनिटी ये हम शामिल नहीं करेंगे, तो ये जो इंटरवल है ये इसको इसके ऊपर मैप करता है या इसके लिए ये अलाउएबल चेंज है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक जो है वो अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर। हमारा मेन टॉपिक चल रहा है रेगुलर कर्व, जिसके अंदर हमने पहला पॉइंट क्लियर किया अलाउएबल चेंज ऑफ पैरामीटर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे हमारे पास इरेगुलर पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।